अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करने लगे कढ़ाई का प्रोग्राम, और हमारे मेरे साथ हैं बाकी जी, बाकी और बाकी के साथ हैं शाकिर। हम अब चीज़ें इकट्ठी करने लगे हैं। इतने में फजली ग्रेड भी आ गया। फजली फ्री नहीं होता। अब देखो बंदे कह रहे हैं कि हम फ्री में, खर्चे साहब ने 300 रुपये इकट्ठे किए, तो उन्हें पैसे जमा करने, उसके बाद नहीं 300 पूरे 300। मरहबा या हबीबी। जा चुका है, अब देख रहे हैं टन ला चुके हैं, टमाटर और साथ में है दही भी है, और ये आप खीरा वगैरह सब कुछ, ये कढ़ाई मसाला और मलाई भी आप देख सकते हैं। मतलब और यूं सामान आने के बाद काम शुरू हो जाता है। अब सभी बताओ यार, क्या काम करना है तूने? सारे काम कर रहे हैं यार। मैं ना सलाद वो बना लूंगा। सलाम तो बन गया यार, सलाद कब का? और सभी मेरी बात सुनो, लास्ट में सभी हाँ यही रहे बता रहे हो, साथ में दोनों वाले जो काम है ना तुम दोनों ने करने। आपकी जान बच गई ना। Brother is from Afghanistan, from Kabul, and he has come as a guest today too. Good job, good job. शाकिर टमाटर काट रहे हैं, और फजली फजली क्या हुआ है तुम्हें यार? यार वो प्याज प्याज क्या हुआ यार? और अच्छा, तो फजली जो है टमाटर काट रहे हैं और सॉरी प्याज काट रहे हैं, और शाकिर टमाटर काट रहे हैं, और बस अभी देखते हैं क्या बनाते हैं। मीन भाई टिप्स देते हुए डिस्कशन ये हो रही है ना कि प्याज में क्या होता है जिसकी वजह से आंखें खोलते आंसू आने लगते हैं। तुम ये बता रहे हो कि इसमें खीरे में क्या होता है? यार जो ऑनियन है ना उसका है खीरे उसके क्यों ये जिसमें कुछ नहीं है, वो ऑनियन होता है ना इसमें कुछ इरिटेंट्स होते हैं जो हमारे पास ये क्रिमिनल ग्लैंड्स होते हैं उसको स्टिमुलेट करते हैं। अच्छा, उससे हमारे पास फिर ये यार ये ज्यादा में इसमें पेन भी होती है ना खास तरह से, मैं ज्यादा उसमें खास नहीं की पेन्स होते हैं जो ना हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसकी वजह से ना फिर आप। लेकिन एक मिथ भी मैं आपको सुनाऊँ, मिथ ये ना कि वो कहते हैं कि जब आप ये प्याज के सामने जब आप आंखें आ जाते हैं ना आपके आंखों का जो गन है ना साफ हो जाता है। ये बात सुनी ना उन्होंने, पता नहीं ये इसमें कितनी गूगल करके आपको बताते हैं कि इसमें क्या होता है।
carbs and 1.75 fiber with tiny amount of protein and fat. हाँ बस यही कंपाउंड होता है जिस वजह से इरिटेंट है ना आंखों का, कढ़ाई आज जो है बनेगी वो है खिजर, खिजर बनाने लगे हैं। खिजर क्या रेसिपी है आपकी, आप बेहतरीन कढ़ाई बना के देंगे ना, आपको खुश करेंगे हाँ हाँ और आप मुतमईन होंगे हमारी कढ़ाई से। चले देखते हैं। कढ़ाई में प्याज भी डालना, प्याज कौन डालता है यार कढ़ाई में? सर ये है रेड कढ़ाई। अच्छा कढ़ाई के लिए प्याज यूज नहीं करते हैं, लेकिन जो रेड कढ़ाई होती है उसके लिए प्याज यूज करते हैं। जो मैं बनाता हूँ जो मैं प्याज यूज नहीं करता। चले आप प्याज बनाते हैं, व्हाइट बनाते हैं क्या? मैं रेड कढ़ाई बनाता हूँ। चलो मैं देखते हैं, ब्लेस होंगे इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा यार ये बताओ कि अफगानिस्तान में कढ़ाई कैसे बनाते हैं? कढ़ाई बहुत जबरदस्त है। हाँ यार कढ़ाई बना लेते हैं बहुत अच्छा। और होता है और क्या होता है? और क्या होता है बहुत चीज़ हो रही है ना, ये खुद ही खा रहा है यार, हमें भी खिलाओ ना, खाओ अकेले अकेले। अच्छा अच्छा करप्शन नहीं करनी भाई, बता रहा हूँ। ऑलमोस्ट बन गई है, सो कढ़ाई बन गई है ना अभी। अभी आपको दिखाते हैं कि यार किस तरह की कढ़ाई बनाई है इसने, खिजर ने। और इसकी खिजर की रेसिपी बहुत ही डिफरेंट है। पहली दफ़ा मैंने देखा है कि यार कढ़ाई में मलाई भी डालते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। सो आज चेक करते हैं कढ़ाई ऑलमोस्ट।